हम तैयार हैं, वरना इस आरक्षण को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए। अब साथियों बात करता हूं वाल्मीकि आरक्षण की, कि हमें पृथक आरक्षण क्यों चाहिए। पृथक आरक्षण का मतलब हमारे कुछ लोग शायद नहीं जानते, पृथक माने होता है अलग से आरक्षण। जो पढ़े लिखे लोगों को समझ रहे होंगे, जो नहीं जानते, पृथक माने अलग से। अलग से आरक्षण क्यों चाहिए भाई हमें? चाहिए कारण उसका कि इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था बनाई है 48 अनुसूचित जाति, उसमें एक वाल्मीकि समाज भी है 47 जातियों में। तो आरक्षण का लाभ जो आज हम कहते हैं जाटव समाज ले जाती है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, कोई बता सकता है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं फील्ड में? 11 नहीं होते, 12 खिलाड़ी होते हैं, एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता है। और वो एक्स्ट्रा प्लेयर कौन है माना? वाल्मीकि समाज। 11 खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं और हमारा वाल्मीकि समाज 12वां प्लेयर खिलाड़ी जो देख रहा है कि कब मेरी बारी आएगी आरक्षण की। मेरा कहने का मतलब उसको वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। आरक्षण का लाभ 48 जातियाँ 47 जाति जो बनी वो ले जा रही है और हमें आरक्षण का लाभ मिल नहीं पा रहा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूँ साथियों कि प्रत्येक आरक्षण की आवाज़ उठेगी। दिल्ली में यहाँ समाज से भी बैठे हुए हैं, अगर ये केंद्र इस बात की शुरुआत करते हैं, आरक्षण की मांग करते हैं, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर महापंचायत का गठन हो गया है और 51 जिलों में महापंचायत का गठन है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम पीछे नहीं हटेंगे इस लड़ाई में। और इस देश की सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमारी कब सुनोगे कि राजस्थान हरियाणा और गुजरात जैसा होगा कि उसी की तर्ज पर हमें आरक्षण दोगे क्या? ऐसा माहौल नहीं बना है साथियों। आपने देखा होगा मैं झाड़ू से बड़ी बड़ी सरकारें बन गई, अभी दिल्ली की धरती पे खड़ा हो यही देख लो आप पार्टी की सरकार बन गई। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, समर्थन करते हैं। लेकिन असली इस झाड़ू का मालिक कौन? वाल्मीकि समाज, जो कि आज भी बिखराव है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचानो, इस देश के असली हिंदू और असली रक्षक वाल्मीकि समाज है। बहुत सारी बातें हैं, मेरे अतिथि बोलना चाहेंगे, मैं लगातार 8 घंटे बोल सकता हूँ। तो साथियों एक कविता मैंने लिखी है, कभी कभी लिख लेता हूं मैं। अंत में बोलना चाहता हूं कि आओ से मेरे देश के वाल्मीकि वीरो, आप किसी धोखे में मत रहना। आहो से पत्थर पिघलेगा तो इस धोखे में मत रहना, और तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा तो इस धोखे में मत रहना। आहो से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, और तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना सबका हिस्सा है, चाहे वो पाकिस्तान भारत का बॉर्डर हो, हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। जिस तरह आपने देखा होगा कि देश में दुश्मनों की गोली से खाकर हमारे शहीद सैनिक हो जाते हैं, सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी, सफाई संरक्षक सफाई कर करके कई नाली मोरी गटर चैम्बरों डूबकर संक्रमण बीमारी से मर जाता है। तो इस भारत के जर्रे जर्रे में अपना सबका हिस्सा है, और तुम्हें बुलाकर कोई घर से देगा तो इस धोखे में मत रहना। कहा है किसी ने कि तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है, छप्पड़ फाड़ के धन बरसेगा तो इस धोखे में मत रहना। साथियों संघर्ष करना सीख लो, अगर चाहते हो सुधार। आने वाली पीढ़ी के लिए हम बात कर रहे हैं साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमारा तो जीवन पूरा निकल जाएगा, हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले। अगर चाहते हो सुधार तो खुलकर आगे आ जाओ, और सरकारी अमला सुधरेगा तो इस धोखे में मत रहना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आज दिल्ली में मेरे सौभाग्य की बात है, वरिष्ठ समाज से भी बैठे हुए सबको नमन करता हूं चरणों में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम सिर्फ पसीने की एक बूंद दो और मध्य प्रदेश वाल्मीकि आप सभी को देश के अंदर स्वतंत्रता हासिल कराएगा।